तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, बहुत ही ज्यादा खुश। मतलब बात ही कुछ ऐसी है यार, इतनी खुशी की बात है। शादी जो हो गई है, नहीं मेरी नहीं, सलमान भाई की। आखिर इतने करोड़ों सालों की तपस्या के बाद फाइनली कर ही ली आखिर। मैं तो कह रहा बहुत जल्दी कर ली शादी, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। इतनी कच्ची उम्र में थोड़ी करनी चाहिए शादी, उम्र ही क्या है अभी उनकी। और शादी आखिर हुई किससे? सोनाक्षी सिन्हा से। अब ये बात मैं सोनाक्षी सिन्हा के लिए नहीं बोलूंगा कि इन्होंने जल्दी कर ली शादी, इन्होंने एकदम सही टाइम पे करी है। 34 इयर्स की एज बहुत ज्यादा होती है। सलमान भाई का क्या है, सलमान भाई अभी 56 साल के टीनेजर है। 5-6 साल तो उनके अभी आराम से बचे हुए थे। 60 की एज में आ जाते ना तब कह सकते थे कि हां अब इनको थोड़ा सोचना चाहिए। पर चलो जो भी है, आखिर हो गई। और सबसे ज्यादा खुश मैं किसके लिए हूं? सलमान भाई के लिए। नहीं यार, सोनाक्षी सिन्हा के लिए। कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ न्यूज चैनल वालों के लिए। इन बेचारे न्यूज चैनल वालों की रातों की नींद चैन सब उड़ रखा था इतने सालों से। इतने सालों से जहाँ भी जाओ इनके मुंह से सिर्फ एक ही सवाल निकल रहा है, अरे सलमान भाई की शादी कब होगी। सो आज हमारे इलेक्शंस के रिजल्ट है। आप मीडिया वालों में से कोई कुछ पूछना चाहेगा? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, ये सलमान भाई की शादी कब होगी? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, बाहुबली ने 2000 करोड़ के ऊपर की कमाई कर ली है। कोई मीडिया वाले इस पे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछना चाहते हैं सलमान भाई शादी कब कर रहे हैं। तो आज दुनिया का सबसे पहला इंसान मार्स पे लैंड करने वाला है। दुनिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, खासकर मीडिया वाले। इनके मन में पक्का कुछ सवाल होंगे, कुछ पूछना चाहते हैं आप मीडिया वाले? देखो मार्स वाली बात तो ठीक है, लेकिन हमको ये पूछना है कि सलमान भाई शादी कब कर रहे हैं। आज सारे न्यूज रिपोर्टर वाले चैन की नींद सो रहे होंगे। उनके बरसों का जो सवाल था ना मन में, उसका जवाब उनको मिल ही गया फाइनली। तो अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये एकदम फर्जी न्यूज है, ठीक है? बिल्कुल बिलीव मत करना इस बात में। ये सोशल मीडिया और कुछ बने ना बने, लेकिन फेक न्यूज का समुंदर जरूर बन चुका है, जहाँ पे कोई भी बैठे बैठे फेक न्यूज बना देते। जैसे सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की ये शादी वाली न्यूज के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक फोटो का हाथ था, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब कितना आसान हो चुका है लोगों को बेवकूफ बनाना। और सबसे खतरनाक बात है कि हम लोग मान भी लेते हैं। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की इस फोटो में किसी गधे ने सिर्फ और सिर्फ फेस को कट करके लगवा रखा है, और हम लोग मान भी रहे हैं। ऐसा तो कल के दिन मैं भी अपनी फोटो लगा दूं कियारा आडवाणी के बगल में, बस फर्क ये है कि फिर मेरी शक्ल देख के कोई ये बात मानेगा नहीं, वो अलग बात है खैर। अब इन सब में सबसे ज्यादा फायदा होता है फेक न्यूज वाले चैनल्स का, क्योंकि ये फेक न्यूज तो सुनाते हैं लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अब इस वीडियो को ही देख लो एक बारी। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि सलमान खान कभी भी त्रिना और ऐश्वर्या राय से प्यार नहीं करते थे, बल्कि उनका पहला और सच्चा प्यार सिर्फ और सिर्फ मैं थी, और अब हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। ये बंदा ऐसे बात कर रहा है जैसे सलमान खान का तीसरा भाई यही है। सलमान खान सारा दुखड़ा इसी को सुनाते हैं रोज शाम को मरीन ड्राइव पे बैठ के। शेरा के बाद सलमान खान का दूसरा बॉडीगार्ड यही है, सब पता है इसको। जितने चिल्ला चिल्ला के ये इस वीडियो में बोल रहे हैं ना, बस इसको एक बारी सलमान खान के सामने खड़ा कर दो। अब इंटरेस्ट इन मीडिया वालों को स्टार्स की लाइफ में होता है, उतना इंटरेस्ट अगर इस नोबिता को बुक्स में होता तो पता नहीं क्या कर लेते। यार भैया, बुक्स खोलते साथ ही मुझे नींद आ जाती है, अब मैं क्या करूं बताओ, आप ही बताओ। वैसे जितनी नींद इसको आती है बुक्स पढ़ने में, उससे कहीं ज्यादा मुझे आती है। और हो सकता है आपको भी बुक्स पढ़ने में नींद आती हो, लेकिन हम सबका मन करता है कि हम अच्छी बुक्स पढ़ें और ग्रोथ करें लाइफ में। उसके लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हो द कुकू FM ऐप, इंडिया लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म विद ओवर 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी। ये मेरी पर्सनल फेवरेट ऐप है, जिसको 4.5+ की रेटिंग्स मिल रखी है। क्योंकि यार बुक्स हमारी लाइफ में सिर्फ नॉलेज ही ऐड नहीं करती, पॉजिटिविटी और बहुत सारी चीजें ऐड करती है। और बिल गेट्स, इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े लोग भी बुक्स को क्रेडिट देते हैं अपनी सक्सेस के लिए। मैं खुद इससे काफी सारी ऑडियो बुक्स और समरीज सुन सकता हूं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द सीक्रेट, और आप भी काफी सारी ऑडियो बुक्स और समरीज इसमें सुन सकते हो। इनफैक्ट मैंने अपनी ये होली भी इनके साथ ही मनाई है, नॉलेज के रंग कुकू FM के संग, क्योंकि होली के मौके पे एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, जिनमें इनका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है 399 रुपीज, वो एकदम 50% ऑफ पे चल रहा है। यानी साल भर का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको सिर्फ 50% ऑफ में मिल जाएगा। लेकिन ये होली ऑफर 20 मार्च रात के 12 बजे तक वैलिड है, यानी कि आज जब ये वीडियो लाइव हो रही है। तो जल्दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके ऐप को डाउनलोड कर लो और 50% ऑफ का फायदा उठाओ। अब यार एक ही ऐप के थ्रू आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है, साथ में आपका टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ बच रहा है, तो कौन इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहेगा। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके ऐप को डाउनलोड करो, और कूपन कोड होली50 यूज करना मत भूलना, उसी मोमेंट पे तुम्हें 50% का ऑफ मिल जाएगा। बता रहा हूँ मैं, बहुत लिमिटेड ऑफर है, जल्दी जाओ। सो गो एंड डाउनलोड द कुकू FM ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉपी के बारे में। देखो फर्स्ट कॉपी क्या होता है, एक ब्रांड होता है और एक होती है उसकी कॉपी, जो एग्जैक्ट उसकी तरह दिखने की कोशिश करती है, पर वो ओरिजिनल कभी नहीं बन सकती। जैसे कुछ टाइम पहले अभी मैं नाइकी के शूज लेने गया था, लेने के लिए तो मैं नाइकी गया था, लेकिन रास्ते में एक जगह मुझे मिल गया शूज जिसमें लिखा था नाइकू। बताओ यार, नाइकू लिखा है यार। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ बैग लेने गया प्यूमा का, और बगल में दुकान में एक बैग था जिसमें लिखा था पूना। बताओ अब क्या बोल सकते हैं फर्स्ट कॉपी के बारे में। सेम इसी तरह मैंने एक बार बिग बॉस सर्च करा तो सामने पे उसकी फर्स्ट कॉपी आ गई। अब ये एक नया रियलिटी शो है जहां पे नाम और होस्ट के अलावा सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें। वैसे शो की होस्ट है कंगना रनौत, और शो का जो नाम है वो इनकी लाइफ से काफी मिलता जुलता है। शो का नाम है लॉकअप, और आजकल ये बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है, पता नहीं क्यों। इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, एक जो मुझे पसंद करते हैं, और दूसरे वो बी ग्रेट स्ट्रगलर्स जो मेरी बुराई करके न्यूज में रहते हैं। एक तीसरे टाइप के लोग भी होते हैं जिनके बारे में तुम्हें बताना भूल गई। तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो इनका ट्विटर अकाउंट बैन करवा देते हैं। गजब बेइज्जती है। ऐसे हेटर्स जिन्होंने मेरी आवाज को दबाने के लिए FIRs किए और नेपोटिज्म का फॉर्मूला लगाया है।
मेरी लाइफ को एक 24/7 रियलिटी शो बनाकर रख दिया। पूरे दिन भर कंगना मैम ट्विटर पे तलवार लटका के बैठी रहती थी कि आज कोई नया मुर्गा मिल जाए, आज कोई नया मुर्गा मिल जाए। और 24/7 रियलिटी शो बनाने का इल्जाम दूसरों के ऊपर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन अब मेरी बारी है और मैं ला रही हूँ द बाप ऑफ बिगेस्ट रियलिटी शो। बाप ऑफ बिगेस्ट रियलिटी शो, फिर तो कुछ नया ही होने वाला है इस शो में, जो शायद आज तक कभी ना हुआ हो, जो तुमने कभी देखा ही ना हो ना सोचा हो। देखते हैं क्या है इस शो में। माई जेल माई रूल्स, और मेरी कैद में होंगे 16 कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज, जिनके साथ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। एक बार शो के कंसेप्ट के लिए तालियां बजाओ, तालियां सब बजाओ यार, सब बजाओ, तालियां बजाओ यार, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट मैंने आज तक नहीं सुना और ना कभी देखा है। ना ही ये कंसेप्ट मैंने रोडीज में देखा, ना स्प्लिट शिले में, ना बिग बॉस। बिल्कुल फ्रेश और यूनिक, एकदम मैम के ट्वीट्स की तरह। वैसे मुझे तो ये शो देखने के बाद ऐसा लगा कि मैम ने अपने ट्विटर अकाउंट डिलीट होने की खुंदक में बनाया ये शो, क्योंकि इस शो में मैम होस्ट कम लेकिन रोस्ट ज्यादा कर रही है। जिसे देखो मैम रोस्ट पे रोस्ट करी जा रही है हर कंटेस्टेंट को। सबसे बढ़िया रोस्ट तो इन्होंने अंजलि अरोड़ा का करा। अच्छा अंजलि अरोड़ा नहीं जानते? अरे वो यार कच्चा बादाम वाली लड़की, अब तो पहचान गए ना, याद आ गया। ये है अंजलि, एक इन्फ्लुएंसर, लेकिन लोगों का इन पर ये आरोप है। ये किस चीज की इन्फ्लुएंसर है कोई नहीं बता पा रहा। क्या ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है या मेकअप या फूड नॉन आइडेंटिफाइड? ये बात तो एकदम सही बोल दी कंगना मैम ने। ये किस बात के इन्फ्लुएंसर है ये किसी को नहीं पता आज तक, और किसी को तो छोड़ो उसको खुद ही नहीं पता मैं किस बात के इन्फ्लुएंसर। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि आप ऐसा क्या करती हैं जो लोग आपको इतना फॉलो करते हैं और इतने ज्यादा व्यूज आते हैं आपको। अब इस बात का उस पर क्या ही जवाब होगा बेचारी के पास। नाइट सूट पहन के तो वो वीडियो बनाती है और डांस के नाम पे दो ही स्टेप मार देती है हर वीडियो में कॉपी पेस्ट करके। और इसकी वीडियो देखने के बाद कंगना का भी कुछ ऐसा रिएक्शन था। सो अंजलि, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आप करती क्या है, ना ये डांस था, ना ये गाना था, ना ये किसी तरह की कोई भावना को दिखाना था। ये इसको कह सकते हैं, हमारे हिमाचल में कहावत है कि मैं कौन मैं खामोखा। भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। वो बेचारी सोच रही होगी क्यों आई मैं इस शो में, ये कैसा स्वागत हो रहा है इस शो में। आते साथ ही बेइज्जती पे बेइज्जती बेइज्जती पे बेइज्जती। और एक जगह पे कंटेस्टेंट से पूछा कि अपने अपने सीक्रेट्स बताओ, जितना खतरनाक सीक्रेट बता सकते हो अभी बता दो। और अंजलि अरोड़ा यहाँ पर अपना ये सीक्रेट बताती है। भाई बहुत बुरा लगा मुझे सुन के और काफी शॉक भी हुआ मैं, तुम भी देखो। अपना राज बताइए। दिसंबर में मैं रशिया गई थी फॉर 17 डेज फॉर शूट। उस दिन मैंने, मेरे को जस्ट पैसे चाहिए थे तो मैंने मांग लिए और उसने दे भी दिए। ये मेरे शायद किसी ना दोस्त को पता ना मेरी फैमिली को पता। इसके पास पैसे नहीं थे और इसने किसी से मांगे और उस बंदे ने दे भी दिए, ये इसका सीक्रेट था। कौन है इस शो का राइटर? नहीं, अगर स्क्रिप्ट नहीं बन रही थी तो मुझे हायर कर लेते, इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट बना के देता ना। और इन कंटेस्टेंट से ज्यादा अच्छा झूठ तो मैं बोल लेता हूँ। वैसे मेरा खुद पर्सनल क्वेश्चन है एक बार इससे कि इतनी सारी वीडियो बना कैसे लेती है नाइट सूट पहन के, हम जानना चाहते हैं, प्लीज हमको भी बताओ। सर किसी चीज को बनने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती, जज्बा होना चाहिए। जज्बा तो होना चाहिए, एकदम सही बात है। इतने बड़े शो में आके कंगना से बेइज्जती करवाना यार, जज्बा चाहिए, सैल्यूट करो एक बारी सब। वैसे इस शो में एक बाबा भी आए और कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, कूल बाबा है, एकदम कूल। पार्टी करते हैं पार्टी, एक बार तुम भी देखो इनकी पार्टी। आपने टकीला शॉट की तरह गौमूत्र पार्टी की। हमने शराब पार्टी नहीं की, हमने कोई और अयासी वाली पार्टी नहीं की, हमने क्या किया, गौमूत्र पार्टी किया, गौमूत्र पार्टी किया, गौमूत्र पार्टी किया। मेरी जिंदगी का पहला बाबा है जिसके मुंह से मैं पार्टी शब्द सुन रहा हूँ, और कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, गौमूत्र पार्टी। ये कौन सी पार्टी हो रही भाई? और खुशी देख रहे हो बाबा के चेहरे पे। और जब इतना सब कुछ हो ही रहा था तो ऋतिक रोशन में पॉइंट मारे बिना कंगना चुप कैसे रह सकती थी आखिर? लोग पांच उंगलियां मिलाकर हाथ जोड़ रहे हैं, वैसे गला तो छह उंगली वालों का भी सूख रहा है। भाई जब भी ऋतिक रोशन का बीपी नॉर्मल होता है ना, इतने में कंगना रनौत उस पर कोई पॉइंट मार देती है, वो बेचारे को सांस भी नहीं आती होगी अच्छे से। लेकिन भैया थोड़ा ब्रेक लगा लो, इतने पॉइंट मत मारो। अब ऋतिक रोशन आप सीधे जादू को कॉल करेगा, दूसरे प्लेनेट में लेके जाओ कोई कंगना। लेकिन एक इंसान है जिसको कंगना ने रोस्ट करने की पूरी कोशिश करी लेकिन कोई फायदा नहीं, उल्टा सारे वार उस पर उल्टे पड़ गए, हमारे मुनावर फारूकी। मैंने सड़कों पे सिखाया तो कोई गुरु नहीं था प्रिया, बट लेकिन दिखता है, वो तो दिखना भी चाहिए क्योंकि पूरा 80% हिंदुस्तान सड़कों पे है। नहीं 80% तो नहीं है, अभी तो स्वच्छ भारत है। रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन उतना नहीं है ना। भाई मुझे एक बात बताओ, वो बंदा एक यूट्यूबर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है और साथ में अपना कंटेंट खुद लिखता है, उसको तुम रोस्ट नहीं कर सकते? कोई अच्छा ऑप्शन सोचना था रोस्ट करने के लिए, इसको रोस्ट करके कुछ फायदा नहीं। और ये बंदा सिर्फ होस्ट को नहीं सारे कंटेस्टेंट्स को भी रोस्ट कर रहा है भाई, ऑन द स्पॉट ह्यूमर है भाई का। 5, 4, 3, 2, 1 एक्स्ट्रा 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 गुड। वैसे भी टिकटॉकर लोग 10 सेकंड ही रहते।
अंजलि अरोड़ा तक क्यों ही गई शो में? इसने तो रोस्ट होने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बाकी यार शो तो ये वैसे भी स्क्रिप्टेड है, तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। बताना क्या यार, तुम्हें खुद ही पता होगा ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है। देख के कुछ फायदा नहीं, टाइम वेस्ट करना है तो देख लो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अपना अपना फोन चार्जिंग पे लगाओ और कुछ काम करो। सो यार इस वीडियो में बस इतना ही था, और मैं बताना चाहूंगा कि जितनी तबीयत मेरी पिछली वीडियो में खराब थी उससे कहीं ज्यादा इस वीडियो में खराब है। वो वीडियो तो मैंने जैसे तैसे करके बना दी थी, लेकिन इस वाले में तो मैं बैठा भी कैसे हूं मुझे खुद नहीं पता। लेकिन काफी सारे लोग बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कि लॉकअप पे वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दी। आई होप सबको अच्छी लगी हो, तो एवरेज भी लगी हो तो यार फिर भी लाइक कर देना। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो अभी तक की सबसे बेस्ट वीडियो होगी। मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूँ लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा फनी होने वाली है और इस साल कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं टूटेगी, चाहे तबियत खराब हो या कुछ भी हो। हर हफ्ते वीडियो आने का जो हमारा स्ट्रीक चल रही है वो ऐसा ही चलते रहनी चाहिए। और वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मर्जी है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। और ये लॉकअप वाला शो मुनावर फारूकी ही जीतेगा ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें भी ऐसा लगता है तो यार कमेंट में जरूर बता देना एक बार। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड कुकू एफएम ऐप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरी पर्सनल फेवरेट ऐप है जिसने मेरी काफी हेल्प करी है ग्रोथ करने में, और बुक्स पढ़ने का टाइम हर किसी पे होता नहीं तो इससे काफी टाइम बचेगा तुम्हारा। सो डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। एंड तब तक के लिए बाय।